नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता और उपभोक्ता संबंधित जो जानकारी है प्रदान करना। उपभोक्ता संरक्षण क्या है इसके बारे में जानकारी प्रदान करना। आज के अंक में हम बात करेंगे उपभोक्ता की आवश्यकता के प्रकार की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुशील झुंझुनवाला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सुशील जी। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं उपभोक्ता, हम बात करेंगे उपभोक्ता की आवश्यकता की, उसके प्रकार की, लेकिन मैं चाहूँगा सबसे पहले आप उपभोक्ता क्या है, कौन है, इसके बारे में बताएं। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में, हमारे आसपास में सभी लोग किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। यूँ कहें कि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस मार्केट से परचेज करते हैं या अपने यूज के लिए या अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड जुड़ा रहता है, वो सभी लोग उपभोक्ता कैटेगरी में आते हैं। उपभोक्ता में अगर हम ले लें तो एक कैटेगराइज करें इसको हम लोग, तो एक होता है फूड आइटम्स परचेज करते हैं जिसको कंज्यूमर आइटम बोलते हैं, दूसरा है ड्यूरेबल आइटम्स है। कंज्यूमर में जो भी किराना स्टोर्स हैं, खाने पीने के सामान हैं, जो भी हम परचेज करते हैं वो भी उपभोक्ता में आता है, क्योंकि उसको हम कंज्यूम करते हैं। जैसे कि अब हम ड्यूरेबल आइटम्स को लेते हैं, फर्नीचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, और जितने भी तरह तरह के आइटम्स है वो ड्यूरेबल्स आइटम आता है, वो हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ऐसे मामले में हम लोग सभी लोग किसी न किसी रूप में उपभोक्ता हैं। सुशील जी, उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं तो कई हो सकती हैं, लेकिन अगर हम बात करें जो प्रकार हैं उनके, उपभोक्ता की जो आवश्यकता है उनके कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में थोड़ा आप रोशनी डालें। क्या क्या प्रकार हैं, किस तरह से कैटेगराइज किया गया, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। मूल रूप से मैं कहूँ कि जहाँ तक उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का जो संबंध है, सवाल है, उसमें सबसे पहले आता है कि उपभोक्ताओं को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड मिनिमम प्राइस। जो मिनिमम प्राइस और सेटिस्फैक्शन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उपभोक्ताओं की ज़रूरत कहाँ आती है कि जो भी सब पहले सामान परचेज करना चाहते हैं या गुड्स और सर्विस हो, सबसे पहले वो देख लें कि जो हम कर रहे हैं परचेज जा रहे हैं उसकी क्वालिटी का क्या मानक उसका है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्राइसिंग उसका है, जो चीज़ बताई जा रही है, जो उसमें प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, वो चीज़ उसमें टैली करती कि नहीं करती है। दूसरी बात ये होती है कि हम जो परचेज कर रहे हैं उसमें हमारा शिकायत करने का हमारा कहाँ प्रावधान है, हमारी शिकायत, हमारी कंप्लेन कहाँ इसका रेड्रेस की जा सकती है। दूसरी बात और इसके संबंध में ये मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि परचेज करते समय कुछ बिंदु हैं, उसको उपभोक्ता को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कोई सेवा भी परचेज करने जा रहे हैं तो सेवा के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप पूरी तरह से पढ़ें और पूरी तरह से जानें इसको परचेज करने के पहले, और उसके परचेज करने के पहले आप जो भी चीज़ सामान परचेज करते हैं उसका बिल ज़रूर आप ले लें, चाहे आपका कंज्यूमर आइटम्स हो या ड्यूरेबल्स आइटम हो, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हो। और ऐसे करने से मैं लगता हूँ कि बहुत हद तक उपभोक्ताओं को शोषण से बचा जा सकता है। सुशील जी, अभी आपने बात की कि जब ख़रीदारी करते हैं कोई उपभोक्ता तो किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग अप्लाई किए जाते हैं, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, आपने कुछ चर्चा में बात की। जो रसीद है वो लेना कितना अनिवार्य है, इसके बारे में आपने चर्चा की। कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान रखनी चाहिए जब उपभोक्ता जो है वो ख़रीदारी करने जाए, कोई व्यक्ति ख़रीदारी करने जाए, किन किन बातों का उन्हें स्मरण रहना चाहिए और किन किन बातों की जाँच करनी चाहिए कोई भी ख़रीदारी करने से पहले, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। तो जाँच का यहाँ तक सवाल है उपभोक्ताओं का, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आइटम आप चूज कर रहे हैं परचेज के पहले या पेमेंट के पहले, वो आप देख लें कि आपके सेटिस्फेक्शन की चीज़ है कि नहीं, जो आप मार्केट में जो आपकी इच्छा खरीदने की वो उस क्वालिटी से मेल टैली करती कि नहीं करती है, और जिस कंपनी का ब्रांड आप ले रहे हैं उसको देखें, ऑथेंटिक करें कि ये कहीं ब्रांड नकली तो नहीं है, कि ऑथेंटिक जगह से भी आप लें। और जहाँ तक बिल लेने की बात होती है, बिल लेने से ये होता है कि जिस ये चीज़ आपके ऑथेंटिक हो जाती है कि मैंने वो परचेज जो किया वहाँ से किया है। फ्यूचर में अगर कोई आप डिससेटिस्फाइड होते हैं प्रोडक्ट से या कोई कंप्लेंट आप देखते हैं कि जो मैंने देखा था एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ द गुड्स जो है वो चीज़ से मिल नहीं खा रही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे शिकायत करने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। तो बिल का एक बेसिक है, फंडामेंटल है, जो कि उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा एक बैकबोन है परचेज करने का, वो ज़रूर लेना चाहिए उससे, ताकि आगे मालूम पड़ता है। और कभी कभी देखा जाता है बहुत से दुकानदार आज के मार्केट में एक प्रिवेल कर रहा है, एक कंसेप्ट कर रहा है कि बिल देना लोग नहीं चाहते हैं, और बिल जब देना दुकानदार नहीं चाहते हैं तो कंज्यूमर भी उसको छोड़ देते हैं, या तो कहें कि इन टर्म्स ऑफ जो है सेविंग्स ऑफ द टैक्सेस जो हैं फालतू लगेगा, इतना सामान क्यों लेना है, लेकिन टैक्स हमको देना चाहिए, उससे आपको कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं, और अपने अधिकार के लिए, हनन के लिए अगर शोषण से बचना है तो आपको बिल लेना बहुत ज़रूरी है।
जी सुशील जी, आवश्यकता की बात की जा रही है, आपने आवश्यकता की बात की, हमने चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बिल है वो जो है वो उपभोक्ता की आवश्यकता है और उस पर हम सबको ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए और वो अनिवार्य है, एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें दुकानदार से वो लेनी चाहिए। अगर अधिनियम की बात की जाए, सुरक्षा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात की जाए, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये भी एक सुरक्षा भी जो है वो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यकता है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों बना, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का बनाने का एक कंसेप्ट यही रहा कि डे टू डे मार्केट जो एक्सप्लोर हो रहा है कंज्यूमर का, उसमें कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा हो, उनके साथ बाज़ार में शोषण नहीं हो, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। उसके अंदर बहुत से प्रावधान दिए गए कि किस किस लोग कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जो हमारे प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रोविज़न है ऐसा, कि उपभोक्ता कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। एक तो जो डेली जो सामान कंज्यूम करते हैं वो तो हमारे यहाँ आते ही हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो लोग अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान परचेज करते हैं, सपोज एक जेरोक्स मशीन किस कोई लेता है, उसमें लेने का एक दो मकसद हो सकता है। एक तो है कि पर्सनल यूज़ के आप लेते हैं तो कंज्यूमर ही हैं, दूसरा क्या होता है कि आप ट्रेडिंग के लेते हैं, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि उसको रीसेल आप नहीं कर सकते। अगर आप रीसेल करते हैं तो कंज्यूमर कैटेगरी में आप नहीं आते हैं। अगर आप लाइवलीहुड के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लेते हैं, जिसके जेरोक्स मशीन से आपका कोई रोज़गार जुड़ा हुआ हो, तो आप कंज्यूमर में आते हैं। तो इसको ये डिफाइन हुआ कि कंज्यूमर क्या है, कौन है। इन द शॉर्ट मैं ये कहूँ कि कंज्यूमर वो है कि जो गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है, या अपने कंज्यूम के लिए या उसको यूज करने के लिए। ऐसे में इसका एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड कंसेप्ट है उपभोक्ता का। सबसे पहले मैं कहूँ कि जैसे कि आप रेलवे है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, मतलब आप कोई भी चीज़ आप अगर सर्विस परचेज करते हैं, सपोज आप इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेते हैं, तो आप कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। और आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो कंज्यूमर रजिस्टर फॉरम बना हुआ है, लीगल प्रोविजन, लीगल स्टेटस उसको दिया गया है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। आप रेलवे को ले लीजिए, आप कोई भी टिकट परचेज करते हैं किसी जर्नी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, वो टिकट आप लेते हैं, जिससे आप टिकट आपके हाथ परचेज किया, उस दिन से आप कंज्यूमर एंड रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर उसमें अगर रास्ते में ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम आपको आती है, किसी तरह का जो आपको मिलना चाहिए फैसिलिटी या जो कम्फर्ट मिलना चाहिए नहीं मिलता है, तो आप कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। बैंकिंग को आप ले लें, जो भी अकाउंट होल्डर हैं, सेविंग्स अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो या बिजनेस होल्डर हो, उस सभी बैंकिंग का जो जितने भी सर्विसेज हैं सब कंज्यूमर में आते हैं। इवन कोई बॉरवर भी है, बॉरवर के खिलाफ भी अगर बैंक कोई अगर आउट ऑफ नॉर्म्स अगर जाती है तो भी कंज्यूमर कैटेगरी में आता है। सुशील जी, अगर कोई उपभोक्ता है, उनके जो अधिकार हैं उनका हनन होता है या धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो उस परिस्थिति में जो वो उपभोक्ता है, वो व्यक्ति है, वो क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। दो तरह की शिकायत हो सकती है, प्रोविज़न दो तरह का है, एक इसमें क्रिमिनल प्रोविज़न भी है, पेनल प्रोविज़न भी है, और दूसरा है कंज्यूमर में भी जो प्रोविज़न है, पेनल भी है और उसके बाद कंपनसेशन भी है। तो अगर जैसे कोई मिलावटी सामान मार्केट से आप परचेज करते लेते हैं, अगर वो मिलावटी निकलता है, तो उसके लिए आप कंसर्न पुलिस से प्रशासन संपर्क कर सकते हैं, जैसे खाद फूड आइटम में जो मिलावटी है। दूसरा, अगर लगता है कि ऐसी मिलावटी है जो आपके हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, तत्काल तो पुलिस के पास जा सकते हैं, और पैरेलल में आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम का एक थ्री टीयर एक व्यवस्था है। अगर आपका शिकायत और आपके सामान और सर्विस की वैल्यू 20 लाख के लिमिट में आती है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में जा सकते हैं। पहले ये स्लैब कम का था, लेकिन अभी जो नया एक्ट अभी लागू हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, जो जुलाई 2020 में लागू हुआ, उसके अंदर बहुत से कड़े प्रावधान दिए गए हैं कि कोई भी उपभोक्ता का अगर लगता है कि वाकई में उसके साथ कोई गलत हुआ है, तो बहुत पेनल प्रोविज़न, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविज़न अभी दिया गया है। मैं बताऊँ आपको कि नए अमेंडमेंट में जो पेनल्टीज़ है वो बहुत हैवी किया गया है। इवन अगर कोई भी व्यक्ति विलफुल डिसऑबिडियंस करता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, स्टेट कंज्यूमर और नेशनल कंज्यूमर के ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करता है, ऐसी स्थिति में उसे 3 साल तक की सज़ा है और 1 लाख तक का फाइन है। दूसरा, में अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई कंपनी करती है, अगर वो सत्य पाया जाता है, तो उसमें 10 लाख रुपये तो फाइन है। एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी हुई है, वह कॉन्वियंस लेती है, अगर वो अपने लेवल से जांच करके कोई अगर आपके ऑर्डर पास करती है, अगर नहीं आप कंप्लायंस करते हैं, तो 20 लाख तक आपका फाइन है और उसमें सजा का प्रावधान है।
सुशील जी, आपने शिकायत कैसे करें इसकी बात की, आपने सज़ा के प्रावधान की बात की। अगर दस्तावेज़ की बात करें तो किस तरह के दस्तावेज़ हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है, या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने जाते हैं, और क्या हमें जब शिकायत करने जाते हैं तो अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ती है, या हम खुद वहाँ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं? ये बात है कि पहले तो प्रोविजन क्या है, खुद ही कर सकते हैं, इंडिविजुअल आप जा सकते हैं जी। लेकिन होता है कि जहाँ तक दस्तावेज की बात है, एक सिंपल सा प्रोविज़न है, सबसे बड़ा इसका बेसिक चीज़ है डॉक्यूमेंट्स का, आपका परचेज बिल। जो अगर अगर जो ड्यूरेबल आइटम में जैसे आप को फर्नीचर परचेज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल प्राइस करते हैं, वो डैमेज हो जाता है, जल जाता है, तो पहले पर तो जाँचें कोर्ट ये जानना चाहेगी कि आपने जो सामान परचेज किया है वो आपके आपके सेलर कौन हुए, किस पर हम कार्रवाई करें, ताकि एक प्रॉपर पार्टी होनी चाहिए आपके जो रिलेशन बना हुआ है। अगर आप अगर बिल आपके पास होता है तो एक आप पूरे विश्वास के साथ अपनी बातों को कंज्यूमर फोरम में, एक जो बना हुआ रजिस्टर फोरम, आप वहाँ रख सकते हैं और गारंटी कार्ड रखें, जैसे सपोज दैट की वारंटी और गारंटी में बहुत थोड़ा डिफरेंस आता है। वारंटी में क्या है कि आप वो चीज़ को रिपेयर करके सर्विस करके आप मिल जाती है, पर्टिकुलर विद इन द लिमिटेड प्रेस्क्राइब टाइम जो होता है। गारंटी में होता है रिप्लेस गारंटी होती है, अगर विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट अगर आप कोई चीज़ आप ख़राब होती है तो सामान रिप्लेस करके मिलता है। तो कुछ दस्तावेज जो हैं गारंटी वारंटी के या बिल के, ये ज़रूर रखना चाहिए। और जहाँ तक है कि कंज्यूमर फोरम में शिकायत करने के लिए अधिवक्ता की आवश्यकता की ज़रूरत ये होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो फैक्ट्स जो है हमारे कंज्यूमर जो है पूरी तरह से कोर्ट के सामने और फोरम के सामने नहीं रख पाते हैं, तो एक लीगल एडवाइस लेने से क्या होता है कि लीगल टेक्नालिटीज़ जो आती है उसमें बहुत सहयोग मिलता है कि क्या क्या प्रावधान सजा का है, क्या नहीं है। उसमें एडवोकेट का असिस्टेंट लेने से क्या होता है कि आपके बिहाफ में जो है जो भी एडवांटेज होता है वो अधिवक्ता लोग करते हैं। दोनों प्रावधान है, अगर आप अलर्ट हैं अपने अपने राइट्स के प्रति तो आप खुद कर सकते हैं। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि दर्शकों को इतना ध्यान रखना है कि जो दस्तावेज़ है वो संभाल कर रखे, और जब भी ख़रीदारी करने जाए तो उसकी रसीद ज़रूर मांगे, जो पक्की रसीद है वो हमेशा ध्यान रखे। दर्शकों ये ध्यान रखे कि जो रसीद है वो हमेशा आप ले जब भी ख़रीदारी करने जाए। सुशील जी, अगर हम बात करें अधिकार की, तो उपभोक्ता के और कौन कौन से अधिकार है, जैसे जानकारी प्राप्त करना, इस तरह के जो अधिकार है इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। एक होता है उसमें सूचना का अधिकार, जिसे हम बोलते जानकारी बोल सकते हैं। उसके अंदर जो प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर, आपके रैपर के ऊपर जो प्रोडक्ट का ब्रांड है वो उसमें लिखना एक मैंडेटरी है कि उसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है, इस प्रोडक्ट के बनाने में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या मिले हुए हैं, ये इसको जानने का अधिकार अगर नहीं होता है तो आप उस जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं आप सेलर से पूछ सकते हैं। और जो भी चीज़ जानकारी आपको दी जा रही है वो राइटिंग में जरूर होनी चाहिए। सपोज देयर कोई आपने सामान परचेज किया इलेक्ट्रिकल्स आइटम से, उन्होंने कहा कि आप ले जाइए, कोई अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ शिकायत कर सकते हैं। सवाल है कि दिक्कत किस तरह की हो सकती है, या इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जल जाता है यूज करने के दौरान, कुछ दिनों में हो जाता है, तो आप शिकायत लेकर वहाँ जा सकते हैं। एक तो होगी आपको जानकारी का अधिकार, दूसरा है कि आपकी सुरक्षा का अधिकार, आपके प्रोटेक्शन जो होना चाहिए, राइट का प्रोटेक्शन, आपके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन, वो आपका राइट होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ शिकायत करनी है। दूसरा चुनने का अधिकार कि जो आपका प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते हैं वो चूज आप तो कर रहे हैं, वो जो चूज करने के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये होता है कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसके लिए गवर्नमेंट हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा कंज्यूमर एक लिटरेसी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके में एक जागो ग्राहक जागो का एक बहुत बड़ा नारा है, पूरे भारत में चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत कारगर होगा। इस कुछ और करने की ज़रूरत है, स्कूलों में कॉलेजों में इस करने की बहुत फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो धोखाधड़ी होती है, जो अधिकार का हनन होता है, कहीं ना कहीं कारण उपभोक्ता की जो जानकारी, पूरी तरह जानकारी नहीं होने के कारण, कहीं ना कहीं जो अभाव है, जानकारी का अभाव, वो कारण हो सकता है। सरकार तो अथक प्रयास कर रही है, जागरूक करने की कोशिश कर रही है, जैसे आपने बताया जागो ग्राहक जागो जो स्कीम है, जो योजना है उसके तहत, और कई योजनाएँ हैं जिसके तहत सरकार कोशिश कर रही है कि जो उपभोक्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनको जागरूक किया जाए, और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं दर्शकों। सरकार के द्वारा जो भी उपभोक्ता अवेयरनेस का जो लिटरेसी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें तो जानकारी मिल रही है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी देखने में आया है कि बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी और जो NGO या ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करके काफ़ी अवेयरनेस किया जा रहा है। इसके अंदर बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ जो है उपभोक्ता को जानने की चाहिए कि आप जो भी आपको चुनने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है, शिकायत निवारण का अधिकार जो मिला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको शोषण तो आपका नहीं हो रहा है। जहां आपको शिकायत मिलनी चाहिए, जो उचित मुआवजा आपको मिलना चाहिए शिकायत के, वो सत्य पाई जाती है जांच के दौरान में, तो
तो वो आपको अधिकार का कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। इसी कारण से इसी सबको लेकर के जो कंसेप्ट बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का और जो नया एक्ट अभी अमेंडमेंट हुआ है, इसमें बहुत सी बातें हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इस एक्ट को हर लोगों को पढ़ना चाहिए एज ए जनरल नॉलेज के लिए, और ये अगर जानकारी अगर एक्ट आप पढ़ लेंगे जिसका एक मेक सार इसका है, तो बहुत हद तक कंज्यूमर अवेयरनेस एक बहुत बड़े पुल का काम करेंगे। सुशील जी, अगर कर्तव्य की बात की जाए तो हम सब का कहीं ना कहीं कोई कर्तव्य होता है, उपभोक्ता का भी कोई कर्तव्य है, तो उपभोक्ता का क्या अगर कर्तव्य हो, अगर बात करें कर्तव्य की, तो किस तरह के कर्तव्य उपभोक्ता के होंगे, उन्हें किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके कर्तव्य को जो है वो कैसे वो समझे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर मैं कंज्यूमर के संबंध में अगर उपभोक्ता कर्तव्य की बात करूँ, तो सबसे पहले जो चीज़ आप ले रहे हैं उसकी रख रखाव ठीक से आप करें। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मैंने बिल ले लिया, कुछ भी होगा तो मैं उसका कंप्लेन कर दूंगा। तो इंटेंसली कंप्लेन नहीं होना चाहिए, मेल हैंडलिंग नहीं होना चाहिए, चीज़ों का रख रखाव जो चीज़ बताई गई है उस तरीके से रखना चाहिए और रखते हुए। और दूसरी बात ये होती है कि जो चीज़ आपके पास बिल है, जो अधिकार है, उस अधिकार को आप बिल्कुल क्लीन हैंड से आप रखिए, अपने पूरी सच्चाई के साथ रखिए, उसमें कोई छुपाव नहीं होना चाहिए, वो चीज़ गलत चीज़ छिपती नहीं है। जब कोर्ट के संज्ञान में जब बात आती है तो बात सामने आ जाती है। इन चीज़ों का मूल कर्तव्य तो बहुत से हैं, लेकिन मूल कर्तव्य यही है कि जो भी चीज़ आपको मिली है उसको रख रखाव ठीक से करें और तरीके से रखें। उसके बाद जो आपका जो राइट्स है, जो आपका ग्रीवांसेस है, वो रेडस किया जा सकता है। सुशील जी, कई बार ये भी देखने को आता है कि जो उपभोक्ता हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो मूल है, जो MRP है, कभी कभी उससे अधिक जो पैसे हैं वो दुकानदार के द्वारा लिए जाते हैं। उस परिस्थिति में जो दुकानदार और जो उपभोक्ता हैं, कि कई बार उसमें झड़प भी होती है, और उस परिस्थिति में जो उपभोक्ता है वो क्या करे, क्योंकि कई बार उन छोटे मोटे सामान लेते हैं उसमें रसीद की लोग आवश्यकता नहीं समझते, तो उस परिस्थिति में जो उपभोक्ता हैं वो क्या करे। सबसे पहले जो भी गुड्स और सर्विस आप परचेज कर रहे हैं उसमें जो भी प्राइस आपका कोट किया रहता है वो सबसे पहले देखें आप। उसमें क्या है कि कभी कभी जो MRP प्राइस होता है वो आप देखें ही, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि जल्दी में कंज्यूमर रहते हैं उस जो प्राइस कुछ और होता है और इसमें प्राइस लिया कुछ और जाता है। तो बिल जब आप लेते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि जो प्राइस आपने जिस चीज़ को आपने रेडी हुए हैं परचेज करने के लिए, वो प्राइस बिल में कोट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप प्राइस ज़रूर आप देखें। आप प्राइस अगर ज़्यादा कोई लेता है तो ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा पेनल प्रोविज़न है ये, कि जानबूझ करके आप कंज्यूमर को एस्कुलेट कर रहे हैं। उसके लिए शिकायत निवारण का बना हुआ है, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी शिकायत को ले आकर उचित फोरम में आप लेके जा सकते हैं, अपनी बातों को आप रख सकते हैं, आपकी बात सुनवाई होती है और जो प्रावधान उसके तहत है, दंड का प्रावधान है, वो मिलता है उसको। सुशील जी, अगर कोई बीमार है, अगर वो चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके इलाज से वो संतुष्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो या किसी कारणवश, तो क्या वो पेशेंट, क्या वो जो लोग उनके डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो भी उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे? मेडिकल सर्विस भी कंज्यूमर की कैटेगरी में आती है। आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, जो भी सिम्टम आपका है आप बताते हैं, अगर वो सिम्टम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट आपका नहीं होता है तो आप कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो इलाज में लापरवाही होती है तो ऐसी स्थिति में मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि आप जो मेडिसिन जो आप लेते हैं, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसका बिल आप जरूर लें। कभी कभी मेडिसिन आपको जो मिलता है एक्सपायरी डेट की मिल जाती है, बिल आप लेने से फ़ायदा होता है, पूरा उसमें एलेबोरेट किया रहता है जो मेडिसिन आप लेते हैं कि कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कब का इसका एक्सपायरी डेट है, इसका MRP क्या है, इन सब चीज़ों को होता है। रही बात डॉक्टर की, अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते हैं, अगर आपको लगता है कि उनके ट्रीटमेंट से आपको नुकसान हुआ, आपके हेल्थ को इंजरी हुआ है, आप इस तक जा सकते हैं, आप फुल राइट करने का है। जी सुशील जी, आपने सही बताया, मेडिकल में भी बहुत लोग परेशान होते हैं, तो उस परिस्थिति में जैसे, और मैं चाहूँगा उसके बारे में और जानकारी दें और किस तरह से वो जो है वो आगे बात कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें निकल के आ मेडिकल सर्विस की बात और आती है। मेडिकल सर्विस में एक आती है जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, आजकल जाँच जो केंद्र है जगह जगह खुले हुए, तो सभी कंज्यूमर लोगों को ये देखना चाहिए कि जो रिलायबल जो टेस्ट लैब है वहाँ जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सेम जो आइटम का जो टेस्ट करते हैं लैब का, मतलब काफ़ी मच डिफरेंस आता है, किसी में पॉजिटिव आता है टेस्ट, किसी में निगेटिव आता है। ऐसी स्थिति में दोनों को आप हमेशा, अगर कोई अगर जाँच ऐसा लगता है कि आपके हेल्थ के लिए बहुत सीरियस है टेस्ट है वो, तो आप दो लैब में कराएं। कभी कभी क्या होता है कि लैब में जो डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस तो चलता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे का फ़र्क होता है, कहीं निगेटिव है कहीं पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में दोनों जाँच का पास रखें और अपनी शिकायत को लेकर के आप कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं, उस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।
जी सही कहा आपने, और बहुत ज़रूरत है हमें जागरूक होने की, उपभोक्ता को अपने अधिकार और जो भी जानकारी है वो प्राप्त करने की। आजकल ये भी देखा जाता है कि स्कूल हो या कॉलेज हो, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के बारे में और उनके अधिकार के बारे में किताबों में भी पढ़ने को मिलता है। इस और किस तरह से हम उनको जागरूक कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, और क्या हम तरीके अपना सकते हैं उनको जागरूक करने के लिए। जहाँ तक एजुकेशन फील्ड की बात, सर्विस की बात है, तो मैं समझता हूँ कि अगर स्कूल और कॉलेज में, बेसिकली अगर स्कूल में भी हम लोग अगर कंज्यूमर अवेयरनेस और उसके लिटरेसी का एक सेशन रखा जाए, तो मैं कहता हूँ कि छोटे बच्चों को भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो भी आज के छोटे बच्चे भी मार्केट में कुछ परचेज करते हैं फूड आइटम, तो वो भी बच्चे अवेयर होंगे जो हम परचेज कर रहे हैं उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें है, क्या क्या उसमें MRP है, MRP के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर स्कूल एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है कंज्यूमर अवेयरनेस का, स्कूल एंड कॉलेज जो है, बस स्टॉप ही हो सकता है, बाकी जहाँ जहाँ पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है सिनेमा हॉल के पास भी हो सकता है, ये सब चीज़ों का एक सोर्स ऑफ जो है अवेयरनेस का बहुत अच्छा एक जरिया बनेगा। और स्कूल में मैं देखता हूँ कि जहाँ तक सर्विस की बात आती है कि कोई फीस अगर कुछ बोले कुछ और है, जब आप एडमिशन ले लिए तो उसकी कैटेगरी बदल जाती है, तो ये सब चीज़ों के लिए पहले से ही आप स्कूल का एक टेंटेटिव जो फीस होता है वो सब आप रखें उसको, ताकि आपको बाद में एडमिशन के बाद में या एडमिशन टाइम में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर ऐसे ही आपको लगती है कि डिफिशियंसी इन सर्विस है, तो आप अपनी शिकायत को लेकर उसके निवारण के लिए, उसके रिड्रेसल के लिए आप हर जगह जा सकते हैं, प्रॉपर फोरम में आप जा सकते हैं। सुशील जी, कई बार ये भी देखा जाता है जो डिस्काउंट ऑफर्स या अलग अलग तरह के ऑफर्स उपभोक्ताओं को मिलते हैं, वो जब खरीदारी करने जाते हैं तो वो ऑफर तो वो विपरीत हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से उसमें बदलाव किए जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, वो जो छोटा सा स्टार मार्क है वो कई बार लोगों को नहीं दिखता, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, उस परिस्थिति में जो है उपभोक्ता क्या करे? उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कोई डिस्काउंट का ऑफर आता है उसकी तरह से अच्छे तरह से आप कन्फर्म कर लें कि डिस्काउंट जो बताया दिया जा रहा है, जो ऑफर दिया जा रहा है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। अगर उसके डिस्प्ले में कहीं बात आती है तो इस डिस्प्ले का स्क्रीन शॉट रखें। ये आपको ऑनलाइन परचेज में आता है, ऑनलाइन परचेज में बहुत से ऑफर दिए जाते हैं कि आप अगर परचेज करें, नेट परचेज में कभी क्या होता है कि ऑफर बता दिया जाता है, जब परचेज करते हैं तो वो बात हिडन होती है, ये कहा जाता है कि आपके सेकेंड परचेज में आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, फर्स्ट परचेज नहीं मिलता है। इस बातों को अच्छी तरह से आप जो है पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, और डिस्काउंट का ऑफर है तो पूरी तरह से जाँच कर करके और पूरी तरह संतुष्ट होकर के आप उसको इनिशिएट करें परचेज करने के लिए। और ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऑनलाइन में बहुत बातें सतर्कता से आपको देखनी जो है वो ज़रूरी है कि जो बातें मुझे बताई जा रही है वो बातें ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसे कन्फर्म कर लेवे। अगर वो बिल जनरेट करते हैं तो बिल के अंतर्गत वो चीज़ लिखी गई नहीं नहीं लिखी गई है, वो सब चीज़ को देखें। अगर आपको परचेज करने के बाद या आप ऑर्डर कोई प्लेस करते हैं अब डिस्काउंट आपको कोई नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है तो उसके प्रॉपर रूप से सारे दस्तावेज लेकर जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो ले करके आप कंज्यूमर फोरम में आप जा सकते हैं, आपको शिकायत का पूरी सूरत सुनी जाएगी और जो भी उसका प्रोविजन है कंपनसेशन वगैरह का जो आपको मिलेगा। जी सुशील जी, सबसे ज़रूरी बात जो पूरी चर्चा में निकल कर आई कि हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो उपभोक्ता संबंधित जानकारी है उसकी हमें पूरी तरह जानकारी और सही जानकारी होनी चाहिए। सुशील जी, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मैं आपके DD बिहार चैनल के माध्यम से मैं आम उपभोक्ताओं को, सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अपने अधिकार के प्रति सजग रहिए, जिम्मेदार बनिए, और आपकी शिकायतों को सुना जाएगा, और आपको कहीं से भी अगर आपकी शिकायतों में सच्चाई है, जांच के प्रति मिलती है, आपको पूरी तरह से शिकायत आप सुनी जाएगी, बशर्ते आपको ज़रूरत है अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहिए और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अपनी शिकायत को बेधड़क रखिए, बिना संकोच किए आपकी शिकायत सुनकर जो उचित कार्रवाई की जाएगी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में शामिल हुए। हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता संबंधित जो आवश्यकता है उनके प्रकार, उनके बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के अंक में हमने बात की उपभोक्ता की आवश्यकता के प्रकार की, और इस चर्चा में हमने जाना कि रसीद जो है जब खरीदारी करते हैं तो रसीद लेना कितना अनिवार्य है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की, और किस तरह से अगर उपभोक्ता जो है वो धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो कहाँ जाएँ और कहाँ गुहार लगाए, किस तरह से, वो सारी प्रक्रिया की हमने चर्चा की। आज के अंक में हमने पूरी जानकारी, कोशिश की आप तक सही जानकारी पहुंचाने की। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बात करेंगे उपभोक्ता की ही लेकिन एक नए पहलू के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।